दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1299 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 141,000 के पार पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से 15 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,059 हो चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 1299 नए मरीज मिले, वहीं 15 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 141,531 हो चुकी है। आज दिल्ली में 1,008 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर चले गए। राजधानी में फिलहाल 10,348 एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक कुल 127,124 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 4,059 हो चुकी है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज दिल्ली में 5,737 टेस्ट RT-PCR के माध्यम से हुए और 14,699 टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से हुए। दिल्ली में अब तक कुल 11,20,318 जांच हो चुकी है। रविवार को यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या भी घटकर 466 रह गई। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।